9.3 क्वेश्चन नंबर 12. अ विलेजर इतवारी हैज अ प्लॉट ऑफ लैंड ऑफ द शेप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल. उसके पास खाली जमीन एक पड़ी है जो कि कौन से शेप की है? क्वाड्रिलेटरल. अब क्वाड्रिलेटरल वो पैरेललोग्राम है, ट्रेपेजियम है, स्क्वेयर है, रेक्टेंगल है, वो नहीं बताए. तो आप कोई भी शेप का क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर सकते हो. मैं ये क्वाड्रिलेटरल ऐसे शेप का ड्रॉ कर रही हूँ. ट्रेपेजियम है या व्हाट एवर इट इज, कोई भी आप शेप ड्रॉ कर सकते हो. ठीक है, आप इससे अलग करना हो तो भी कर सकते हो. नाउ द ग्राम पंचायत ऑफ द विलेज डिसाइडेड टू टेक ओवर सम पोर्शन ऑफ हिज प्लॉट फ्रॉम वन ऑफ द कॉर्नर्स टू कंस्ट्रक्ट अ हेल्थ सेंटर. ग्राम पंचायत ने क्या डिसाइड किया? इतवारी का ये जो प्लॉट है, ठीक है, प्लॉट को मैंने नाम दे दिया ABC. ये इतवारी का जो प्लॉट है उसके कॉर्नर में से थोड़ी लैंड ग्राम पंचायत को चाहिए हेल्थ सेंटर बनाने के लिए. तो सुनो, ये दोनों सेंटर मिल नाउ टेक ओवर सम पोर्शन ऑफ हिज प्लॉट फॉर वन ऑफ द कॉर्नर्स टू कंस्ट्रक्ट अ हेल्थ सेंटर. इसमें से कोई एक कॉर्नर का थोड़ा सा पोर्शन उसे चाहिए. कौन सा चाहिए वो अभी हम देखेंगे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप. ठीक है, नाउ इतवारी अग्रीज टू द अबोव प्रपोजल. इतवारी अग्री करता है कि हाँ मैं पोर्शन दूंगा. प्रपोजल विथ द कंडीशन दैट ही शुड बी गिवन इक्वल अमाउंट ऑफ लैंड इन लियू ऑफ हिज लैंड एडजॉइनिंग हिज प्लॉट सो एज टू फॉर्म अ ट्राइंगुलर प्लॉट. इतवारी गवर्नमेंट उसे मांगती है कि तेरे प्लॉट में से कोई एक कॉर्नर से थोड़ा हिस्सा हमें चाहिए हेल्थ सेंटर बनाने के लिए. अथवा इतवारी वो अग्री करता है और क्या बोलता है कि मैं जितना लैंड का पोर्शन अपने प्लॉट में से देता हूँ उतना ही पोर्शन सामने मुझे मिलना चाहिए और मेरी लैंड से बाजू में ही होना चाहिए, अलग पोर्शन नहीं होना चाहिए. क्या बोला है? इक्वल अमाउंट ऑफ लैंड इन लियू ऑफ हिज लैंड एडजॉइनिंग हिज प्लॉट. ठीक है, उसके प्लॉट से जुड़ा हुआ ही टुकड़ा मिलना चाहिए और ऐसे मिलना चाहिए कि उसका जो बाकी बचा वो प्लॉट और नया टुकड़ा दोनों मिला दो तो पूरा जो नया प्लॉट बनेगा वो ट्राइंगुलर शेप का होगा. क्या कंडीशन रखी उसने कि मैं अपनी लैंड में से थोड़ा पोर्शन हेल्थ सेंटर बनाने के लिए गवर्नमेंट को देने के लिए रेडी हूँ. ठीक है, बट उसके सामने मुझे उतनी ही लैंड मिलनी चाहिए जो कि मेरे प्लॉट से अटैच हो. एडजॉइनिंग मतलब कि यहाँ से मिले या तो यहाँ से मिले कहीं से भी मेरे प्लॉट से ज्वाइनिंग होनी चाहिए और जो नया टुकड़ा आप दे रहे हो सेम एरिया का जितना एरिया इसमें से कट करेंगे सामने उतना ही एरिया उसे मिलना चाहिए. तो वो नया एरिया और इसमें से जो बाकी बचा था दोनों को कंप्लीट हम लाइन बनाए तो वो ट्राइंगुलर शेप में बनना चाहिए. फिर वो ट्राइंगल कैसा भी बने चलेगा, स्केलेन ट्राइंगल हो चलेगा, आइसोस्केलेस हो चलेगा, इक्विलेटरल हो, कोई भी, बट शेप कैसा होना चाहिए ट्राइंगल का. क्लियर? ठीक है, तो हमें पूछा है कि इतवारी की ये कंडीशन कैसे फुलफिल हो सकती है वो हमें दिखाना. आया समझ में अब? ठीक है, तो सबसे पहले गिवन फिगर अभी आप ड्रॉ मत करना, इसमें अभी कुछ ऐड होगा तो फिगर की प्लेस छोड़कर लिखना. ठीक है, गिवन इतवारी हैज अ लैंड ऑफ शेप क्वाड्रिलेटरल ABCD. ठीक है, नाउ
डिसाइड्स टू टेक ओवर सम पोर्शन। पहले मैं यहाँ पर डायगोनल बीडी ड्रॉ कर रही हूँ। डायगोनल क्या ड्रॉ किया? बीडी। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, मैं लिखने का टाइम दूंगी आपको। डायगोनल बीडी ड्रॉ किया। अब डायगोनल बीडी से पैरेलल हो एसी ए थ्रू एक लाइन ड्रॉ कर। थ्रू ए डायगोनल बीडी से पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर। अब सीडी को आगे प्रोड्यूस करो, जो कि यहाँ पर इंटरसेक्ट करता है ई पर। सीडी को मैंने प्रोड्यूस किया तो वो एक ए से जो लाइन निकली थी उसे कहाँ पर इंटरसेक्ट करता है? ई पर। अब मैं बीई को क्या कर रही हूँ? ज्वाइन। बीई को ज्वाइन किया तो ये बना एक ट्राइंगल बना, ठीक है। तो ये जो ट्राइंगल वन है इतना पोर्शन इस बारी अपनी लैंड में से गवर्नमेंट को दे रहा है हेल्थ सेंटर बनाने के लिए, ठीक है। इतना ये ट्रायंगल वन जितना पोर्शन इस बारी अपनी लैंड में से गवर्नमेंट को हेल्थ सेंटर बनाने के लिए दे रहा है, तो सामने उतने ही एरिया का लैंड उसकी अपनी लैंड से एडजॉइनिंग उसे मिलनी चाहिए, ठीक है। तो वो मिलेगी उसे ये, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट में यहाँ पर ओ ले, ए डी एंड बी दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? ओ, ठीक है। तो ये ए ओ बी जितनी लैंड इतवारी अपने प्लॉट में से दे रहा है, गवर्नमेंट उसे सामने डी ओ ई जितनी लैंड नहीं दे रहा है। तो डी ओ ई को आप उसकी पुरानी लैंड का जो टुकड़ा बचा था उससे एड करो तो ये ट्राइंगल बन गया बीसी। हो गई उसकी कंडीशन। तो अब हमें ये प्रूव करना है कि ये जो कट हुआ वो और एड हुआ वो दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल है, क्योंकि इतवारी ने कंडीशन रखी थी कि जितना कट हो रहा है सामने उतना ही मिलना चाहिए। तो हमने अपने हिसाब से बता दिया तो हमें ये तो दिखाना पड़ेगा ना कि जितना कट हुआ और जितना मिल रहा है दोनों का एरिया इक्वल है, ठीक है। ये हमें बताना हो गए। तो इतवारी हैज अ लैंड ऑफ शेप क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। नाउ ए ओ बी ओ ए बी सी डी ज्वाइन बी डी ज्वाइन बी डी पी अ लाइन थ्रू ए अ लाइन थ्रू ए पैरेलल टू बीडी इंटरसेक्ट सीडी प्रोड्यूस्ड ए ई। यहां पर क्या है देखो, मैंने जो लिखा है वो ध्यान से समझो। पहले ये बीडी को ज्वाइन कर दिया, फिर अ लाइन थ्रू ए पैरेलल टू बीडी इंटरसेक्ट सीडी प्रोड्यूस्ड एट ई, क्लियर, ठीक है। नाउ एडी एंड बीई इंटरसेक्ट एट ओ। ये एडी एंड ये बीई इंटरसेक्ट एट ओ टू प्रूव एरिया ऑफ एओबी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ईओबी। ये दोनों का एरिया इक्वल दिखाना है ताकि जो कट हुआ वो और जो नया हुआ ए दोनों का क्या हो? इक्वल, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर लिखा है अ लाइन थ्रू ए पैरेलल टू बीडी, दैट मीन्स ए इज पैरेलल टू बीडी, ठीक है। यहाँ पर लिख दो ए इज पैरेलल टू बीडी, ठीक है। अब ये दोनों ट्राइंगल मैं ले रही हूँ, देखो ये पूरा ट्राइंगल एडीबी दिख रहा है, ये पूरा ट्राइंगल एडीबी, ठीक है, और ये पूरा ट्राइंगल बीईडी दोनों का मेल
बीडी है और दोनों बिटवीन द सेम पैरेलल एई एंड बीडी, ठीक है। टू ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ई बी डी आर ऑन द सेम बेस बी डी एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स ए ई पैरेलल टू बी डी। देयरफॉर एरिया ऑफ ए बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ई बी डी, होगा। अब दोनों में से ये माइनस कर रही हूं, एबीडी पूरा था उसमें से ये बीओडी माइनस कर दू तो क्या बचेगा, एओ, ठीक है। फिर ईबीडी पूरा था उसमें से ओबीडी माइनस कर दू तो क्या बचेगा, डीओई बचेगा, ठीक है। एरिया ऑफ एबीडी माइनस एरिया ऑफ ओबीडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ईबीडी माइनस एरिया ऑफ ओबीडी। देयरफॉर एबीडी में से ओबीडी माइनस किया तो बचा ओ एओबी और ईबीडी में से ओबीडी माइनस किया तो बचे डीओई। हो गया प्रूफ, क्लियर। ये वाला कट किया, ये वाला उसे मिला, दोनों का एरिया इक्वल। एन ई बी सी, ई बी सी इज इतवार न्यू ट्राइंगुलर फ्लोर, जो इंक्वायरी की कंडीशन थी कि नया बने वो ट्रायंगल शेप में होना चाहिए। एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 13। एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम विथ एबी इज पैरेलल टू बीसी। एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम विथ एबी पैरेलल टू बीसी। नाउ एसी अलाइन पैरेलल टू एसी इंटरसेक्ट एबी एट एक्स एंड बीसी एट वाई। ये पहले तो एसी को ज्वाइन कर ले, पहले एसी को ज्वाइन कर दे तो एसी से पैरेलल एक लाइन जा रही है, एसी से पैरेलल एक लाइन जा रही है विच इंटरसेक्ट्स एबी एट एक्स एंड बीसी एट वाई। देन प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीएक्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एसीवाई। आया समझ में, एडीएक्स और एसीवाई कहां पर बनेगा, सी और एक्स। ये ट्राइंगल बना एडीएक्स, ये ट्राइंगल एसीवाई, क्लियर। इन दोनों को एरिया इक्वल दिखाना है। नाउ गिवन ट्रेपेजियम एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम विथ एबी पैरेलल टू
बी सी है, ठीक है। एक्स वाई पैरेलल टू ए सी इंटरसेप्ट ए बी एट एक्स एंड बी सी एट वाई, ठीक है। नाउ टू प्रूव, एरिया ऑफ ए डी एक्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी वाई। सी और एक्स को क्या करेंगे, ज्वाइन कर दो। प्रूफ हिंट में दिया है, ज्वाइन सी एक्स हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। हम यहां पर वही लिखेंगे, ज्वाइन सी एक्स। अगर आप सी ए और एक्स को ज्वाइन कर दो ये, तो ये एक तो मैंने जो येलो से बनाया है ट्राइंगल ए डी एक्स वो, और ये ट्राइंगल ए एक्स सी, समझ में आ रहा है मैं कौन सा बोल रही हूँ, ये एक्स सी दिखा सबको, ये दोनों ट्राइंगल का कॉमन बेस क्या होगा, एक्स, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स ए बी एंड सी डी, ठीक है। तो दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल ट्राइंगल ए डी एक्स एंड ट्राइंगल ए डी एक्स एंड ट्राइंगल ए सी एक्स आर ऑन द सेम बेस ए एक्स एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, बिटवीन द सेम पैरेलल्स ए एक्स इज पैरेलल टू, सॉरी हाँ ए बी पैरेलल है तो ए एक्स भी पैरेलल ही होगा, ठीक है। अरे ए बी का टुकड़ा एक्स है, ए बी और डी सी पैरेलल है तो एक्स और डी सी भी पैरेलल होंगे ना, ठीक है। बिटवीन द सेम पैरेलल्स एक्स पैरेलल डी सी, यहां पे ही लिख दो, ठीक है ना। अगर कोई दो ट्राइंगल का सेम बेस है और सेम पैरेलल है तो एरिया क्या होगा, इक्वल। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी एक्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी एक्स, गिव दिस इज इक्वेशन नंबर वन। अब दूसरा एक मैं ट्राइंगल ले रही हूं, ये ट्राइंगल ए सी एक्स जो यहां पर था वही, वो एज इट इज रखो, ये ट्राइंगल ए सी एक्स एज इट इज, ठीक है। दूसरा मैं ट्राइंगल ये ले रही हूँ ए सी वाई, पिंक वाला दिख रहा है जो ए सी एक्स इसमें लिया था वही, और ए सी वाई ये जो पिंक वाला है वो, दोनों में आपको ए सी कॉमन बेस दिख रहा है एंड दे आर बिटवीन द सेम पैरेलल एक्स वाई एंड ए सी, बिकॉज यहाँ पर वो पैरेलल गिवन है, यस और नो। ये ट्राइंगल ए सी एक्स जो हमने इसमें लिया था वही, और दूसरा ये ट्राइंगल पिंक वाला ए सी वाई, ठीक है। दोनों का कॉमन बेस है ए सी एंड दे आर बिटवीन द सेम पैरेलल एक्स वाई पैरेलल ए सी, वो पैरेलल है वो तो ऑलरेडी दिया है, ठीक है। तो अगेन इन दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, इक्वल। ट्राइंगल ए सी एक्स एंड ट्राइंगल ए सी वाई आर ऑन द सेम बेस ए सी एंड बिटवीन द सेम पैरेलल एक्स वाई पैरेलल ए सी, ठीक है।
therefore area of ACX is equal to area of AC 1. Give this as equation number 2. Of equation 1 and 2 mein ACX common hai? Yes. Yes or no? Yes. Agar ACX common hai, to ADX and ACY bhi kya honge? Equal. So, 1 and 2 area of ADX is equal to area of AC 1. क्या आगे पॉइंट ओ कहीं पर है ही नहीं, कहां पर है ओ? राइट जल्दी करो थोड़ा. हो गया हो गया बाकी ये अभी अभी देखा के सुबह में हाथ गंदा करे छे अमर तो मजबूरी छे करवू पड़े छे कैल्शियम कार्बोनेट के यस कार्बोनेट सी एस कार्बोनेट खा ले जल्दी क्वेश्चन नंबर 14. फिगर में एपी पैरेलल बी क्यू पैरेलल टू सी आर. एपी पैरेलल टू बी क्यू पैरेलल टू सी आर. तीनों पैरेलल दिए हैं एक दूसरे से. वी हैव टू प्रूव दैट ए क्यू सी ए क्यू सी. ये रहा ट्राइंगल ए क्यू सी एंड ट्राइंगल पी बी आर. पी बी आर बन गया. ठीक है. अब कोई भी दो ट्राइंगल अगर बी वन एपी पैरेलल बी क्यू पैरेलल सी आर टू प्रूव एरिया ऑफ ए क्यू सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पी बी आर प्रूव. अब यहां पर ध्यान सबका. पहले ये एपी एंड बी क्यू दोनों पैरेलल ऑलरेडी दिए हैं. ठीक है. तो एपी एंड बी क्यू पैरेलल है तो उनके बीच के ये दोनों ट्राइंगल, एक तो ये ए बी क्यू. ठीक है. और ये पी बी क्यू दोनों का बेस कॉमन है बी क्यू. ठीक है. एंड दे आर बिटवीन द सेम पैरेलल एपी एंड बी क्यू. दैट मीन्स ये दोनों के एरिया क्या होंगे? इक्वल. ट्राइंगल ए बी क्यू एंड ट्राइंगल पी बी क्यू आर ऑन द सेम बेस बी क्यू एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स एपी पैरेलल टू बी क्यू. एपी पैरेलल बी क्यू तो ऑलरेडी गिवन है. ठीक है. तो अगर दो ट्राइंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल से तो दोनों के एरिया क्या होंगे? इक्वल. देयरफॉर एरिया ऑफ ए बी क्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ पी बी क्यू. गिव दिस इज इक्वेशन नंबर 1. बोलो. नाउ अब ये दोनों पैरेलल लेते हैं बी क्यू एंड सी आर. बी क्यू एंड सी आर
तो बी क्यू कॉमन बेस पर ये दो ट्राइंगल मिले आपको, एक तो बी क्यू सी दिख रहा है, बी क्यू सी ये वाला ट्राइंगल, दूसरा है बी क्यू आर मिल रहा है। इसमें से भी दोनों का कॉमन बेस कौन सा है, बी क्यू, बिटवीन द सेम पैरेलल बी क्यू पैरेलल टू सी आर, ठीक है। ट्राइंगल बी क्यू सी एंड ट्राइंगल बी क्यू आर आर ऑन द सेम बेस बी क्यू एंड बिटवीन द सेम पैरेलल बी क्यू पैरेलल टू सी आर, देयरफॉर एरिया ऑफ बी क्यू सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी क्यू आर, इक्वेशन नंबर टू। अब वन एंड टू का एडिशन करते हैं, एड वन एंड टू, लेफ्ट हैंड साइड इसकी एरिया ऑफ ए बी क्यू, इसकी लेफ्ट हैंड साइड एरिया ऑफ बी क्यू सी, इसकी राइट हैंड साइड एरिया ऑफ बी बी क्यू। पवन बेटा बात खत्म हो जाए तो यहाँ पर ध्यान दे देना, इसकी राइट हैंड साइड एरिया ऑफ बी क्यू आर। अब ये ए बी क्यू एंड बी क्यू सी है, ये ए बी क्यू और ये बी क्यू सी, ये पूरा ए बी क्यू, ये पूरा बी क्यू सी, दोनों का मैं टोटल करूं तो पूरा ए क्यू सी मिल जाएगा, ठीक है। देयरफॉर एरिया ऑफ ए क्यू सी इज इक्वल टू पी बी क्यू, मतलब ये पी बी क्यू और ये बी क्यू आर, दोनों का टोटल करो तो पूरा बी बी आर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, डायगोनल्स ए सी एंड बी डी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इंटरसेक्ट एट ओ, एक मिनट हा, देखो क्या बोला है, डायगोनल्स ए सी एंड बी डी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी
intersect at O in such a way that AOD is equal to BOC, then prove that ABCD is a trapezium. Quadrilateral ABCD के diagonals AC and BD intersect each other at point O. ठीक है? In such a way that area of AOD, ये area of AOD is equal to area of BOC. ठीक है? Then we have to prove that ABCD is a trapezium. ठीक है? कोई भी क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम कब बनता है? जब उसकी ओपोजिट साइड की कोई एक पेर ई पैरेलल हो. अगर ओपोजिट साइड की दोनों पेर पैरेलल हुई तो वो पैरेललोग्राम बन जाएगा. ठीक है? तो हम ये ए बी और सी डी को पैरेलल प्रूव करते, उसका मतलब क्या हुआ? दोनों ए बी सी डी ट्रेपेजियम है. पहले तो गिवन डेटा क्या है? इन क्वाड्रिलेटरल अभी हम ट्रेपेजियम नहीं लिख सकते क्योंकि हमने अभी प्रूव किया नहीं है. इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी डायगोनल्स एसी एंड बीडी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ. नाउ टू प्रूव और हाँ एरिया ऑफ एओसी एंड एरिया ऑफ बीओसी भी इक्वल दिया है ना. एरिया ऑफ एओसी इज इक्वल एओडी सॉरी एरिया ऑफ एओडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ बीओसी इतना हमें गिवन है. नाउ वी हैव टू प्रूव एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम. प्रूफ एरिया ऑफ एओडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ बीओसी विच इज गिवन. उसे दे दो इक्वेशन नंबर वन. जो गिवन है एरिया ऑफ एओडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ बीओसी उसे दे दो इक्वेशन नंबर वन. इक्वेशन देने की जरूरत नहीं, इसी में ही हम एडिशन कर देंगे. ठीक है? इतना गिवन है हमें. अब दोनों में ये जो कॉमन है इक्वेशन ट्रायंगल नंबर थ्री सीओडी. ठीक है? ये एओडी और बीओसी का एरिया हमें इक्वल दिया है ऑलरेडी. अगर कोई इक्वल चीज में मैं कोई कॉमन चीज ऐड करूं तो जो नया मिलेगा वो भी इक्वल ही होगा. कॉमन दोनों में सीओडी ऐड कर रही हूं. एड एरिया ऑफ सीओडी ऑन बोथ साइड्स. Therefore, area of AOD plus area of COD is equal to area of BOC plus area of COD. ठीक है? अब AOD और COD दोनों को मैं ये 1 एंड 3 दोनों को एक कर दू तो ये क्या मिल जाएगा? पूरा ट्राइंगल ADC. मिल गया. ठीक है? फिर फोर एरिया ऑफ एडीसी इज इक्वल टू अब ये टू और थ्री को एड कर दू तो बीओसी एंड सीओडी मतलब टू एंड थ्री इन दोनों को एड कर दू तो ट्राइंगल क्या मिलेगा? बीडीसी मिल गया. इज इक्वल टू एरिया ऑफ बीडीसी. ठीक है? अगर कोई अब दोनों का कॉमन बेस क्या है? डीसी. कोई दो ट्राइंगल का एरिया इक्वल है और बेस कॉमन है दैट मीन्स की दोनों ट्राइंगल बिटवीन द सेम पैरेलल्स है. एरिया ऑफ एडीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ एबीडीसी एंड बोथ आर ऑन द सेम बेस. बोथ आर ऑन द सेम बेस डीसी. देयरफॉर एबी इज पैरेलल टू डीसी. देयरफॉर ABCD is a trapezium. AB equal to BC.
किसी भी ट्राइंगल की ओपोजिट साइड की कोई एक पेर इक्वल सॉरी पैरेलल हो तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या बनता है? ट्रेपेजियम। क्लियर? लिख लो। कौन से बेस पर है?
डीसी। अगर कोई दो ट्राइंगल का एरिया इक्वल है, सेम बेस पर है, दैट मीन्स की बोथ आर इक्वल। देखो बोथ आर बिटवीन द सेम पैरेलल, देयरफॉर डीसी इज पैरेलल टू आरपी। डीसी और आरपी क्या होंगे? पैरेलल। अगर किसी क्वाड्रेंट की ऑपोजिट साइड की एक पेर पैरेलल हुई, दैट मीन्स वो ट्रेपेजियम है, ठीक है। देयरफॉर डीसी पीआर इज अ ट्रेपेजियम। हमें एबीसीडी और डीसीपीआर दोनों को ट्रेपेजियम प्रूव करना था, तो डीसीपीआर को तो हमने ट्रेपेजियम प्रूव कर दिया। अब बाकी क्या बचा? एबीसीडी। अब एबीसीडी के लिए हमें बीडीपी और एआरसी का एरिया इक्वल दिया है। ये रहा बीडीपी, बीडीपी, ठीक है, और ये पूरा एआरसी, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ बीडीपी इज इक्वल टू एरिया ऑफ एआरसी, ठीक है। ये पूरा एआरसी और ये पूरा बीडीपी, दोनों का इसमें से, दोनों में से हम ये जो डीआरसी और डीपीसी इक्वल दिए हैं वो माइनस कर दे, तो ये पूरा बीडीपी है उसमें से ये डीपीसी माइनस कर दे, ठीक है। तो क्या बचेगा? ये बीसीडी बचेगा, ठीक है। देखो ये पूरा बीडीपी है कि नहीं, ठीक है। उसमें से ये डीपीसी माइनस कर दे जो यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो क्या बचेगा? ये बीसीडी बचेगा, ठीक है। एरिया ऑफ बीडीपी माइनस एरिया ऑफ डीपीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ एआरसी। एआरसी मतलब ये पूरा, ठीक है। उसमें से ये डीआरसी जो यहाँ पर दिया है वो माइनस कर दे तो क्या बचेगा? एसीडी, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ डीआरसी, ठीक है। देखो हमने बीडीपी और एआरसी का एरिया इक्वल था जो कि गिवन है, ठीक है। उसमें से एक साइड से डीपीसी माइनस किया, दूसरी साइड से डीआरसी माइनस किया, फिर भी इक्वल रहा। क्यों? क्योंकि डीआरसी और डीपीसी का एरिया क्या है? इक्वल। रीजन, एरिया ऑफ डीआरसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ डीपीसी। अब मैंने अभी बताया ये पूरा बीडीपी है, उसमें से ये मैं डीपीसी माइनस कर दूं तो क्या बचेगा? बीसीडी इज इक्वल टू, ये पूरा एआरसी है, उसमें से ये डीआरसी माइनस कर दूं तो क्या बचेगा? एसीडी। अब दोनों का एरिया इक्वल है एंड दे आर ऑन द सेम बेस सीडी, ठीक है, एंड दे आर ऑन द सेम बेस डीसी। देयरफॉर अगर कोई दो ट्राइंगल का एरिया इक्वल है और वो कोई सेम बेस पर है, दैट मीन्स की दे आर बिटवीन द सेम पैरेलल्स, ठीक है। कौन से होंगे? एबी पैरेलल टू डीसी, एबी पैरेलल टू डीसी, एबी इज पैरेलल टू डीसी, और एबी एबी एंड डीसी पैरेलल हो तो एबीसीडी पूरा क्या बन जाएगा? इसी के साथ ये एक्सरसाइज ओवर और ये चैप्टर भी ओवर। नेक्स्ट लेक्चर से हम चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे।